अगर आपके भी फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन या फिर बोनसेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब 2023 में आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर वीडियो डालकर, रील्स डालकर, पोस्ट डालकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज करके, क्योंकि फेसबुक ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या, ये किसको किसको मिला है, ये आपको कैसे मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या है, टोटल डिटेल से आज के इस वीडियो में समझते हैं। चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या और ये सबको क्यों मिल रहा है। देखिए, यह एक प्रकार का मोनेटाइजेशन टूल्स है जिसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के मोनेटाइजेशन टूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि लाइव एड्स हो गया, इन स्ट्रीम एड्स हो गया, बोनसेस हो गया, स्टार मोनेटाइजेशन हो गया और सब्सक्रिप्शन हो गया, और भी जितने भी मोनेटाइजेशन टूल है ये सभी के सभी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगे। तो अब बात आ जाती है कि भैया ये फेसबुक हमको दे क्यों रहा है। तो देखिए, फेसबुक के पास प्रोफाइल यूजर बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पेज यूजर बहुत कम है, जिससे ब्रांड्स को क्या लगता है, ब्रांड्स जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करते हैं, जिस पे बहुत ज्यादा क्रिएटर होता है। आपको पता है कि यूट्यूब और फेसबुक का रेगुलर टक्कर चलते रहता है, तो फेसबुक ने अपने क्रिएटरों को बढ़ाने के लिए फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ब्रांड्स को लगेगा कि भैया फेसबुक के पास बहुत ज्यादा क्रिएटर है, जिससे फेसबुक के प्लेटफॉर्म के पास ज्यादा ब्रांड्स आएंगे और ज्यादा प्रमोशन करने का अपॉर्चुनिटी आएगा, जिससे आप फेसबुक से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए फेसबुक ने इस फीचर को लॉन्च किया। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये किसको किसको मिला है, ठीक है, आपको मिला है कि नहीं, इसके क्या बेनिफिट है, और आगे जानेंगे कि अगर ये अभी तक से आपको नहीं मिला है तो ये आपके प्रोफाइल के ऊपर कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको डिटेल से समझने के लिए मैंने यहां से अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, जो कि इस चल रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद देखिए आपको मिला है कि नहीं, कैसे चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां से अपना फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद यहां से आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और यहां से आपके सामने देखिए फेसबुक प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन आपको सिंपली फेसबुक के प्रोफेशनल मोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फेसबुक के प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करते हैं, देन जैसे ही आप टूल्स में नीचे देखते हैं तो यहां से आपके सामने भैया एक ऑप्शन आ रहा है फेसबुक मोनेटाइजेशन, ठीक है। देन जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे क्या लिख रहा है, नॉट एड अवेलेबल। यहां से बोनसेस का ऑप्शन आ गया भैया, लाइव एड्स का ऑप्शन आ गया भैया, इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन आ गया, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि भैया आखिर ये है क्या, ठीक है। तो भैया ये फेसबुक का ट्राई एंड टूल्स है, ठीक है। फेसबुक अब जो है आपके प्रोफाइल के ऊपर ही इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है, लाइव एड्स का ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है, बोनसेस का ऑप्शन अवेलेबल कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो भी पेज पे जितने भी इन स्ट्रीम एड्स हो गए, चाहे जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स थे, अब सभी के सभी आपको फेसबुक के प्रोफाइल पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पहले भी देखने को मिल रहा था, जो कि मैंने से 2-3 महीना पहले ही आपको वीडियो बनाकर नोटिफाई कर दिया था कि दिसंबर के लास्ट तक, भैया ये तो फर्स्ट में ही दे दिया, मैंने वहां पे आपको क्लियरली बताया था कि दिसंबर के लास्ट तक जितने भी मोनेटाइजेशन टूल्स हैं जो कि आपके फेसबुक पेज के ऊपर देखने को मिल रहा है, वहां से आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल को मोनेटाइज करके आप अच्छे खासे पैसे छाप सकते हो फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन के थ्रू। यहां से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो 3 महीना पहले ही पोस्ट कर दिया था कि आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल को मोनेटाइज कर सकते हो और ऐसा कुछ आने वाला है मे बी। और यहां देखिए फाइनली ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अब आपको लोगों को लग रहा होगा कि भैया यहां तो लिख रहा है नॉट एट अवेलेबल, ठीक है। तो ये जिनके प्रोफाइल पे अभी इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है उनमें ये देखने को मिलेगा नॉट एट अवेलेबल। जिनके भी फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है तो भैया देखिए यहाँ पे आपको स्टार मोनेटाइजेशन भी मिलेगा, लेकिन अभी इनमें ऐड नहीं किया है क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। यहां से आपको रील्स प्ले बोनस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एड्स ऑन रील्स भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब आप क्राइटेरिया को पूरा करोगे तो। चलिए मैं यहां से एक दूसरा आईडी खोल के दिखा देता हूं। यहां से मैंने एक दूसरा आईडी को ओपन कर लिया। दूसरा आईडी को जैसे ही ओपन किया तो भैया मेरे में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही योर टूल्स में आते हैं यहां से देखिए मॉडरेटर असिस्ट का भी ऑप्शन मेरे में देखने को मिल रहा है, बोनसेस का भी ऑप्शन मेरे में देखने को मिल रहा है, एड्स ऑन रील्स का भी ऑप्शन मेरे में देखने को मिल रहा है, भैया मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन मेरे में देखने को मिल रहा है और स्टार्स का भी ऑप्शन मेरे में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां से स्टार्स पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा जो प्रोफाइल है वो ऑलरेडी स्टार से मोनेटाइज है, तो मेरे में ये टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। यहां से देख सकते हैं कि स्टार मेरे पे 50 स्टार भी आए हैं और $0.50 अर्निंग भी हुआ, ठीक है। और यहां से अगर मैं एड्स ऑन रील्स पे क्लिक करता हूं तो देखिए एड्स ऑन रील्स अर्निंग भी मेरा स्टार्ट है। जैसे ही मैं इस पे एड्स ऑन रील्स, मतलब कि जैसे ही मैं रील्स डालने के लिए स्टार्ट करूंगा ये फेसबुक के प्रोफाइल पे के ऊपर, तो मेरे में अर्निंग आने स्टार्ट हो जाएंगे, एड इंप्रेशन बढ़ेंगे जिससे मेरे अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
काफी लोग ये मुझे कमेंट करेंगे कि भैया ऑलरेडी मैंने एक पे आउट अकाउंट बना रखा है, अपने एक पे आउट अकाउंट से या तो एड्स ऑन रील्स को मोनेटाइज कर रखा है या फिर स्टार मोनेटाइजेशन को मोनेटाइज कर रखा है, क्या अगर मेरे में मोनेटाइजेशन के तहत मेरे में अगर कोई और एड्स मेरे मोनेटाइज करने का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया तो क्या उसके लिए मुझे अलग से पे आउट अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको एक ही पे आउट अकाउंट बनाना है एक प्रोफाइल के लिए, भैया आपको एक ही पे आउट अकाउंट बनाना है। वरना क्या होगा कि भैया देखिए पे आउट अकाउंट में सब कुछ तो आप अलग अलग बनाओगे लेकिन पैन कार्ड तो एक ही डालोगे ना, तो एक पे आउट अकाउंट के लिए एक पैन कार्ड जब डाल रहे हो तो भैया एक ही पे आउट अकाउंट से आप अपने जितने भी मोनेटाइजेशन टूल्स अवेलेबल है सभी को एक ही पे आउट अकाउंट से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है, जैसे ही आपको ये अवेलेबल का ऑप्शन दिखाएगा देन आपको सिंपली रिव्यू स्टार पे क्लिक करके आपको एग्री करना है, वहां से आपके पे आउट अकाउंट शो कर देंगे, देन उस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, वो आपका पे आउट अकाउंट जो रहेगा जाएगा। अब बहुत लोग कहां पे गलती कर रहे हैं, बहुत लोग पता है कहां पे गलती कर रहे हैं, बहुत लोग एड्स ऑन रील्स अलग पे आउट अकाउंट बना लिए, स्टार ऑन रील्स अलग पे आउट अकाउंट बना लिए, इन स्ट्रीम एड अलग पे आउट अकाउंट बना लिए, तो उनका पता है क्या प्रॉब्लम होगा? उनका प्रॉब्लम होगा कि उनके अर्निंग तो बढ़ेंगे, मैं मानता हूं अर्निंग बढ़ेंगे, लेकिन जब फेसबुक आपके अकाउंट को रिव्यू करेगा तो आपका टोटल पेमेंट को प्रोसेसिंग में आने की होल्ड पे डाल देगा। ठीक है, पे आउट अकाउंट बना रखा है जिससे फेसबुक कंफ्यूज कर जाएगा कि मैं इनके कौन सा पे आउट अकाउंट पे कितने बैलेंस डालूं। ठीक है, तो आपको पे आउट सिर्फ एक बनाना है और उससे आपको टोटल अकाउंट को जैसे कि स्टार मोनेटाइजेशन हो गया, एड्स ऑन रील्स हो गया, इन स्ट्रीम एड हो गया, लाइव मोनेटाइजेशन हो गया, टोटल एक ही जो है पे आउट से कनेक्ट करना, टोटल जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स है उसको आपको एक ही पे आउट अकाउंट से कनेक्ट करना है। ठीक, अब जान लेते हैं कि अगर अभी तक से ये आपके प्रोफाइल पे देखने को नहीं मिला है तो इसको हम कैसे ला सकते हैं? तो भैया देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, सिंपली जान लीजिए, काफी लोग ये दिमाग में लगाते रहेंगे, काफी लोग ये मुझे कमेंट करेंगे भैया मेरे पर नहीं आया, हम इसको कैसे लाएं? इसको आप नहीं ला सकते, ये नया अपडेट है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जनवरी के लास्ट तक ये सबको मिलेगा। ठीक है, नया अपडेट है ये, अभी कुछ प्रोफाइल पे फेसबुक ने टेस्ट के लिए डाला है। ठीक है, अगर ये फिर एकाएक सब में नहीं डालता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट आता है वो धीरे धीरे बारी बारी से करके सबके प्रोफाइल पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी कुछ लोगों को मिला है, मे बी जनवरी तक आपके सभी जितने भी फेसबुक के प्रोफाइल है, जैसे मैंने आपको प्रोफेशनल मोड में आप लोग बका रहे थे कि भैया मेरे प्रोफेशनल मोड नहीं आ रहा, फिर फेसबुक ने ग्लोबली लॉन्च किया ना, ये सब में वैसे ही आपको थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर लॉन्ग वीडियो डालो चाहे शॉर्ट वीडियो, अब तो भैया लॉन्ग वीडियो का फीचर भी ला दिया, आपको अब अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर लॉन्ग वीडियो भी डालना है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो भैया हम पीछे क्यों हटे? फेसबुक पेज बनाओ या प्रोफाइल बनाओ, आप दोनों से बराबर पैसे छाप सकते हो और दोनों पे बराबर मोनेटाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल या फिर पेज के ऊपर कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको फटाक से उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे मैसेज कर देना है। डिफॉल्ट अगर मैं आपका मैसेज चेक नहीं कर पाऊं तो आपको क्या करना है, उस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा देना और मुझे मेंशन कर देना, भैया अगर आपका कोई भी जरूरी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपकी स्टोरी को जरूर से देखूंगा, उसके बाद आपको मैसेज रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो मेंशन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।